दोस्तों कुदरत के अपने कानून हैं, कारखाने कायनात के मालिक ने जो अपना सिस्टम बनाया है, खरबा सियारों का एक एक पत्ते पे उसका कंट्रोल है, एक एक दाने पे उसका कंट्रोल है, उसका निज़ाम है। इस ये सुबह को नाश्ता तब तैयार करेगा जब इसको हीट मिलेगी सूरज की, खुद ही ये जनाब अली पानी नीचे से मिलेगा, जड़ों से हीट लेगा जनाब अली, कहाँ से? सूरज से। कार्बन डाइऑक्साइड जनाब अली रिसीव करेगा, बाहर ऑक्सीजन निकालेगा हमारे लिए। ये पाबंद है हज़ारों लाखों सालों से, ये कुदरत का सिस्टम है। अगर कुदरत के निज़ाम को सामने रखकर हम कारोबार करें, बिजनेस करें, फसलें उगाएं, तो हम बहुत बड़े फ़ायदे में रहेंगे। दोस्तों ये ना फरवरी की 15 तारीख को ये टाँगें काटी थी, एक ये दो, ठीक है दोस्तों, ये तीन, ये चार, ये पाँच, दोस्तों ये छः। तो आज हम मार्च के तकरीबन 16 तारीख में बैठे हैं। सारे फूलदार खुशबूदार ये खुशबू बाहर निकालने वाले फूल उगाए, क्योंकि कुदरत का निज़ाम है। मार्च में ये नई ग्रोथ करते हैं हर जनाब दरख्त, जब ग्रोथ होती है तो ये टालियाँ निकलती हैं। मैंने इसको कुदरत के दिए हुए निज़ाम जो हमें अल्लाह ने समझाया, जो हमें ये इल्म मिला है, तो हम अगर फरवरी में काटेंगे तो फूल निकलेंगे। कुदरत के दिए हुए निज़ाम को से उलट करके मैंने ये डालियाँ काटती अक्टूबर में। दोस्तों कोई डाली ऊपर बड़ी नहीं, वो वहाँ काटी, उसको उधर काटा, और सब वहाँ रुकी हुई है अक्टूबर 2023 से, ठीक है। ये फरवरी 2024 में इसकी काटी, क्योंकि ये सीज़न है ग्रोथ का, कुदरत का एक निज़ाम कुदरत है जो पूरे कायनात का मालिक है, तख्लीकार है, मुसव्विर है ना। कितना खूबसूरत फूल उगा है मेरे घर पे। तो जैसे मैं वाशिंग पाउडर का काम करता हूँ, सर्दियों में हमारा फार्मूला एक होता है और गर्मी में फिर दूसरा होता है, क्योंकि कुदरत उसमें मॉइस्चर, गर्मी में मॉइस्चर नहीं है, सर्दी में मॉइस्चर है हवा में, तो फार्मूला ही चेंज करने पड़ते हैं। तो जो दोस्त होम प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो सर्दी में फार्मूला को अपने हिसाब से सेट करें, गर्मी में चेंज करना पड़ेगा मौसम के हिसाब से, तो इंशाल्लाह आप कामयाब और कामरान जाओगे। खुदा का निज़ाम है, हम उनसे सहूलत ले लें, हज़ारा सहूलतें, सूरज, चाँद, दरख, फसलें हमारे लिए हैं, हम इनसे फ़ायदा उठाएं इनके साथ चलते हुए। खुदा हाफिज़।